जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ को 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस मुठभेड़ का आज लगातार चौथा दिन है। हालांकि ऑपरेशन को जल्द खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा सख्त कर दिया है। आधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों के साथ सुरक्षा बल आतंकियों पर वार करने की रणनीति अपना रहे हैं। आज कश्मीर जोन पुलिस की ओर से सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया कि बारामूला जिले के उरी हथलंगा के अग्रिम इलाकों में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अनंतनाग में अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है जारी है। सेना ने उस एरिया को हर प्रकार से घेर लिया है। कोई भी एस्केप रूट नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 24 घंटे के अंदर हर प्रकार से टेरर को ढेर कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ 3 पाकिस्तानी टेरर हैं और 1 लोकल टेरर है, और उनका मारना जो है बहुत ही लाजमी है। एक खबर ये भी कह रही है कि एक सैनिक जो था, जो मिसिंग था, उसकी डेड बॉडी भी मिली है, लेकिन आर्मी ने अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की। और अगर वास्तव में उसकी भी डेथ हो गई है तो सो फार वी हैव लॉस्ट 5 पर्सन, 3 ऑफिसर्स एंड 2 जवान्स। लेकिन मुझे वहाँ पे ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उनको उन पहाड़ियों में जितने भी हाइड आउट्स के हैं उनके बारे में मालूम है, टफ टेरेन के बारे में वो वाकिफ हैं और घने जंगल के हर हिस्से से वो वाकिफ है। इसी की बदौलत वो अभी तक बचे हुए हैं। देखिए, कोई बच के तो नहीं जा पाएगा। इन्होंने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो भी है वहाँ पे, ये बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन है। ओपन फील्ड है, पहाड़ी एरिया है, बीच में 2 पहाड़ियों के बीच में जगहें होती हैं, वहाँ से छिप के निकल जाते हैं। तो विल टेक इट लुक्स कि ये थोड़ा और समय लगेगा इनको पकड़ने में। और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कई टेररिस्ट हैं, इसलिए कि एक को अभी मारा और हो सकता है और भी हो नंबर ऑफ टेररिस्ट जो इस ऑपरेशन के अलावा वहाँ से हो। बैकअप टीम क्या है ये पता नहीं, अभी इन्फॉर्मेशन आर्मी नहीं देगी आपको। यू हैव टू वेट, हम लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये तय बात है कि कोई भी आतंकवादी वहाँ से बच के वापस नहीं जा पाएगा।